आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन जो इन कंपाउंड्स का, वो आपका किस ऑर्डर में होगा ये आपको बताना है। सो आपको यहाँ पे समझना होगा, देखो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास एंथैल्पी होती है हाइड्रोजनेशन की, वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन। जितना ज्यादा एल्केन आपकी स्टेबल होगी, उतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा वो कम होगा, राइट। सो स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, देखो अगर मैं फर्स्ट केस देखती हूँ, सो कम्प्लीटली आपको एक एरोमेटिक सिस्टम दिख रहा है, इजंट इट। यहाँ पर आप देखोगे कि बेंजीन लिंक है, बेंजीन पर तीन मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं और बेंजीन का एरोमेटिक होता है क्योंकि हक्कल रूल को फॉलो करता है, सिस्टम भी साइक्लिक और प्लेनर है, राइट। सेकेंड में देखोगे ये देखो सिस्टम जो है ये बेसिकली आपका क्या है, कॉन्जुगेटेड साइक्लिक, मतलब साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डायमंड बेसिकली, फाइन। सो ये भी स्टेबल है, बट फर्स्ट के कंपेरिजन में अगर मैं स्टेबिलिटी की ऑर्डर की बात करती हूँ, तो फर्स्ट तो सबसे ज्यादा स्टेबल है अमंग एवरीवन, राइट। और थर्ड में आप देखोगे कि थर्ड में देखो कोई ना तो ये एरोमेटिक है, ना ही यहाँ पर क्या रेजोनेंस स्टेबिलिटी हो रही है, इजंट इट। सो ये तो सबसे लीस्ट है। सो अगर ये मेरे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, सो यहाँ पर अगर मैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कंसीडर करूंगी, सो वो जस्ट इसका क्या होगा, रिवर्स होगा, दैट इज थर्ड की सबसे ज्यादा होगी इस फील्ड में और फर्स्ट की सबसे लीस्ट। सो ये आपका फाइनल आंसर है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।